नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि आपने पिछले संडे की वीडियो में पूछे थे। तो उन सारे सवालों का आज हम लोग जवाब देंगे। और क्योंकि पिछले संडे की वीडियो में हम लोगों ने एक विनर भी अनाउंस किया था लेकिन उन विनर ने अभी तक का हमसे कॉन्टैक्ट नहीं किया है, तो इस हफ़्ते क्या करूँगा, इस हफ़्ते दो विनर अनाउंस करूँगा। तो ये आप लोग के लिए डबल खुशी की बात है जो लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे। और इस हफ़्ते भी यही सिलसिला जारी रहेगा। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है क्रिप्टो से रिलेटेड तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट संडे के वीडियो में आपका जवाब भी मिलने के पूरे पूरे चांस हो और गिव अवे भी जीतने का चांस हो। तो सबसे पहला जो सवाल है वो सूरजजीत दास का है। इनका कहना है कि सर मेरे पास 2300 यूएसडीटी का होल्डिंग था, क्या लूना दोबारा से $10 से $20 जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास डी पैक यानी कि जब से उसका प्राइस एक्सट्रीमली गिरना चालू है उससे पहले का था, तो आपको जो रिटर्न में जिस हिसाब से इनका प्लान टू अभी आया है उस हिसाब से अगर है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा जो डी पैक के बाद खरीदे उनसे। तो अभी देखिए, अभी जब तक एयर ड्रॉप नहीं हो जाता, जब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आती, तब तक कुछ कह नहीं सकते कि कितने डॉलर का आपको रिकवरी होगी, बट हाँ ये है कि रिकवरी होगी। नेक्स्ट सवाल है सौरभ सिंह का। इनका कहना है कि अजय भाई एक्सी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होल्ड कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अभी जिस समय हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल कॉइन जो है बहुत डाउन में मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस करिए इथेरियम बिटकॉइन पर, क्योंकि यही ऐसे कॉइन है जो कि बहुत ज़्यादा डंप नहीं हुए। बाकी पूरी अल्ट कॉइन की आप देखिए बहुत ज़्यादा डाउन है। और बिटकॉइन इथेरियम के बाद अगर आपके पास कुछ फंड बचता है तब आप एक्सी या बाकी सारे और कॉइन को देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है संदीप शर्मा का। कहना है कि लूना से आपका कितना नुकसान हुआ है। अजय भाई, संदीप शर्मा फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी। तो देखिए, मेरा जो नुकसान हुआ है वो इतना हुआ है कि जिससे हम एक मोटरसाइकिल ले सकते थे अच्छी वाली, तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हाँ, अब इसका नुकसान किसी और चीज़ से कवर कर देंगे और जल्दी हम भी आपको बताएंगे कि आपने अगर लूना लिया है तो इस टोकन से अपना नुकसान कवर कर सकते हैं जो अच्छे फंडामेंटल टोकन होंगे। नेक्स्ट सवाल है भरत कुमार का। इनका कहना है कि क्या आपको कभी प्यार में धोखा मिला है। हाँ, एक समय पहले मिला था और उस समय हमने 10 का नोट लिया और उसमें लिख दिया सोनम गुप्ता बेवफा है और लिख के खर्च कर दिया, और आज नोट पता नहीं कहाँ टहल रहा है, गूगल पर बहुत जगह मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल है अर्नब का। इनका कहना है कि हेलो सर, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन एसटीओ एंड आईसीओ। देखिए, एसटीओ एक दूसरा एक एडवांस नाम है जब हम किसी नए टोकन में सुनते हैं कि वो अपना टोकन सामने से प्रमोट कर रहे हैं, और आईसीओ भी उसका ही एक वर्जन है, तो सेम है, लगभग कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं है। और अभी इस समय के हिसाब से जो सीन चल रहा है इस समय, आप किसी भी आईसीओ और एसटीओ किसी में भी पार्टिसिपेट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। अभी जो भी टोकन है आपको वो top 5 में ही रहें, उसके नीचे और नए टोकन में मत जाइए। नेक्स्ट सवाल किया है कांत शर्मा ने। इनका कहना है कि भैया ये एक्सचेंज, ऐसा एक्सचेंज बताओ जिसमें मोदी जी और सीता माता ना ढूंढ पाए। तो देखिए, यहाँ पर क्रिप्टो पूरी उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि जो ट्रैकेबल इजी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहेंगे क्योंकि क्रिप्टो का जो बेनिफिट है, क्रिप्टो के जो रिवॉर्ड है वो इतने ज़्यादा है कि 30% टैक्स इजीली पे किया जा सकता है बिना किसी टेंशन के। तो कोई भी लोग इस तरीके का कोई भी काम ना करे जिससे आने वाले समय में उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि क्रिप्टो का रिवॉर्ड एक्चुअल में ज़्यादा है। अभी जो सीन हम लोग देख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम लोग एक ही चीज़ में स्टक हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आने वाले समय में धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट सवाल है रेनू साहिबन्ना का। इनका कहना है कि हेलो सर, आई एम वॉचिंग योर ऑल वीडियो, थैंक यू उसके लिए। और आपका पूछना ये है कि किस हिसाब से कैलकुलेट होता है कि जब वो कॉइन दिखता है कि 10% और 12% बढ़ गया है आज की तारीख में, तो ये किस हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा डंप रहती है और अगले दिन क्या दिखता है कि मार्केट डंप तो हुई थी 70%, लेकिन आज वो दिखा रहा है ग्रीन में पूरा, और ये दिख रहा है कि 10% नया कैलकुलेट हो गया। तो एक बार सुबह 5:30 बजे ये पूरी मार्केट रिफ्रेश होती, रीकैलकुलेट होती है, तो उस समय से ये दोबारा से दिखता है, क्योंकि हम लोग यहाँ इंडिया में, और इंडिया 5:30 घंटा अपने जो UTC जो टाइम है उससे आगे है, तो इसलिए सुबह 5:30 बजे ये फिर से रिफ्रेश होती है और उस समय से अब तक का दिखाती है कि अभी से इस समय मार्केट ग्रीन में है या रेड में है। नेक्स्ट सवाल है जस्ट बॉडी बिल्डिंग का। इनका कहना है कि मैं 6-7 महीनों से आपका चैनल देख रहा हूं और बहुत पसंद आता है आपको, और आप हैं स्वीडन से, स्टॉकहोम स्वीडन से हैं, तो आपका सवाल ये है कि क्या इथेरियम बिटकॉइन को प्राइस को कभी टेक ऑफ उसको क्या पास कर सकता है। मतलब ईजिली नहीं है, क्योंकि देखिए बिटकॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड है और इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है,
लेकिन फिर भी इथेरियम को ऐसा कंट्रोल में रखा गया है कि अनलिमिटेड होने के साथ साथ इतना ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं आएगा। तो इथेरियम का प्राइस करीब करीब तो पहुँच सकता है, लेकिन हाँ पास करना इतना ईजी नहीं, और आने वाले समय में देखते हैं, फिलहाल इस साल तो बिल्कुल भी नहीं, और आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ सीन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल है ट्रैवल ब्लॉग का, इन्हें कहना है क्रिप्टो और स्टॉक विच इज़ बेस्ट फॉर मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क और मिनिमम प्रॉफिट के लिए जाना है तो स्टॉक में जा सकते हैं, बाकी क्रिप्टो लेजेंड है, अभी डाउन है, अभी बुरी कंडीशन में है, लेकिन ऊपर जाएगी, पक्का जाएगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हिंदी एवरग्रीन म्यूजिक का, इनका कहना है कि आई बॉट 146 क्वाइन ऑफ लूना वेयर इट प्राइस ऑन $30 एंड नो लूना एट ज़ीरो, सो वॉट टू डू अजय प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए, अगर आपने डी पैकिंग के बाद ख़रीदा है, जब से उसका प्राइस क्रैश होना चालू हुआ है, तो आपको कुछ परसेंटेज एयर ड्रॉप में मिलेगा, और उससे पहले ख़रीदा तो आपको कुछ ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, और कुछ ना कुछ रिकवर होगा, और बाकी आने वाले समय में हम लोग भी कुछ ऐसे कॉइन आपको सजेस्ट करेंगे जिसमें लूना जैसा नुकसान हुआ है तो लूना जैसा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है दीपक वर्मा का, इनका कहना है कि आर देयर वे टू परचेज आउटसाइड एन एक्सचेंज। बिल्कुल ईजिली है, कहीं से भी एक्सचेंज से बाहर आप बाय कर सकते हैं, डेक्स जितने सारे उनको धीरे धीरे यूज़ करना सीख लीजिए। काफ़ी सारी वीडियोस हमने ट्रस्ट वैलेट वगैरह वगैरह पर बनाई है, और कुछ और भी लेटेस्ट वीडियो भी बना दूंगा, फिलहाल उनसे आपका काम चल जाएगा, और लेटेस्ट जो होंगी वो लेटेस्ट फीचर के बारे में होंगी, वो भी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे चैनल पर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अली अकबर का, इनका सवाल है थैंक यू फॉर योर हार्डवर्क। हाँ, हार्डवर्क तो है, इस समय आधी से ज़्यादा शर्ट हमारी पसीने से तर है, मतलब बहुत गर्मी है हमारे शहर में। उसके बाद क्वेश्चन आपका है, क्या लगता है आपको कि इंडिया में टैक्स रिड्यूस होगा फ्यूचर में, और आपने किसी कॉइन प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, इंडिया में टैक्स रिड्यूस होगा क्योंकि अभी हार्श है, और जल्दी नहीं, कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये डाउन होगा। और कुछ सारे लोग जीएसटी के बारे में बात कर रहे थे, वो सारी शुरू से लेकर आखिरी तक का बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, इसीलिए हमने ना चैनल पर कवर किया ना ही लोगों को बताने के लिए उसको, क्योंकि जब है नहीं उसका कोई सर पैर तो क्यों बात करें उसके बारे में। नेक्स्ट सवाल है अभी का, कहना है कि ब्रदर हाउ मच यू लॉस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट इन अर्ली डेज। इस समय जो रिसेंटली जो डिप चल रही है, इसमें मैंने कितना लॉस किया, इसके बारे में आपको बताना है, बिल्कुल मैं बताऊंगा। और आपका कहना ये है कि मुझे कितना समय लगा था क्रिप्टो के मार्केट के बारे में समझने में। तो देखिए, क्रिप्टो की मार्केट कोई भी पूरी तरीके से नहीं समझ सकता कि कब क्रिप्टो किस तरीके से मूव दिखा सकती है, लेकिन फिर भी उतना जान चुके हैं कि जितना एक अर्ली स्टेज का बंदा आता है उससे काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। अच्छा, और उन सबका मैं इसी सवाल में निचोड़ दे देता हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहला जो मुझे कितना नुकसान हुआ है, तो नुकसान के बारे में एक सेकंड एक पल हम लोग नहीं सोचते हैं, वो इसलिए क्योंकि जिस दिन हमने सोचा ना तो हम वीडियो बना पाएंगे, ना तो हम सो पाएंगे, ना तो हम खा पाएंगे, ना तो घूम पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो में अगर हमने लगाया है तो हमने वो पैसा सोच के लगाया था कि कल जा रहा है तो अभी चला जाए, मतलब वो ये सोच के लगाया था कि चलो डेड हो गया। इसलिए कभी भी ये सोचना नहीं होता है कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कितना डाउन है, ये सोचना ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये कि धीरे धीरे क्रिप्टो को जो मैं समझाऊँ वो ये समझाऊँ कि यहाँ पर अगर आप सिंपली ख़रीद कर छोड़ देंगे कुछ अच्छे टॉप 5 कॉइन्स को, बस इतना करना है, उसके बाद फिर आप फ्री, अपना टेंशन फ्री घूमिए। तो बस इतना सिंपल चीज़ है जो इस आंसर में दे सकता था, बाकी बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी तक क्रिप्टो को बहुत थोड़ा ही जाना हो, थोड़ा सा और जानना है, वो धीरे धीरे हम लोग आपके साथ जानते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है मंदर का, इनका कहना है कि सर, जो भी सिचुएशन इस समय चल रही है, जो टेरा लूना के साथ स्पेशली चल रही है, उसको लेकर क्या हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास एक नेगेटिव मैसेज जाएगा क्रिप्टो को लेकर? बिल्कुल जाएगा। और इसको लेकर जो क्रिप्टो के जो लॉ आने वाले थे उसमें थोड़ा सा ये सारी चीज़ को ध्यान में रख कर अब लॉ आएंगे, और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबली इसके बारे में बहुत डीपली लॉ बनाने के लिए तैयारी चल रही है। जिन लोगों ने थोड़ा सा डिले करने के लिए सोचा था वो और जल्दी इस पर बात कर रहे हैं। यूएसए के जितने भी चेयरमैन हैं, जो भी लोग इस सब सारी चीज़ों को देखते हैं, वो बिल्कुल क्लोजली इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं कि इस समय हम लोग किस तरीके से लॉ लेकर आने हैं, और इंडिया भी इस चीज़ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सुनील का, इनका कहना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सचेंज की ग्लिच पर 1000% अप हो जाए और सेलिंग रोक दे? देखिए, इतना बड़ा ग्लिच इजीली नहीं होता, और कभी होता है तो मेरे सामने अभी तक नहीं आया कोई ऐसा ग्लिच।
इंटरनेशनल एक्सचेंज में, इंडियन एक्सचेंज में मोस्टली ये सारे ग्लिच हम लोग को वज़ीरेक्स में देखने को मिलता है। एक बार शिबा इनू के साथ और कई और सारे जो नए नए टोकन्स आते हैं उनके साथ जब नई नई लॉन्चिंग होती है तो उस पर लिक्विडिटी कम होती है, तो इस तरह के ग्लिच वज़ीरेक्स पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो ग्लोबली एक्सचेंज है उन पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि ये दिक्कत हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आर्यन शाह का, इनका कहना है कि लाइक लूना क्या अदर स्टेबल कॉइन भी क्रैश कर सकते हैं टीथर डाई? देखिए लूना के साथ जो मैकेनिज्म था उस तरीके का मैकेनिज्म जो टीथर है वो नहीं फॉलो करता, उनका रिज़र्व रखा है और डाई है उनका भी रिज़र्व है, तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी हम लोगों को अपनी तरफ से सतर्क रहना चाहिए तो वो हम लोग रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है खुशरू का, इनका कहना है कि अजय भाई बियर मार्केट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी क्रिप्टो फंडामेंटल्स, क्या आप भी अपना कोई क्रिप्टो कोर्स शुरू करने का प्लान कर रहे हो नियर फ्यूचर में? मुझे नहीं मालूम था आप लोगों को सीखने का मन है, और अगर सीखने का मन है तो बहुत कुछ है हमारे पास सिखाने के लिए आपके लिए, और बिल्कुल कोई कोर्स की ज़रूरत ही नहीं, यही यूट्यूब है, इसी पर ही हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे। बस आपकी तरफ से भी इंटरेस्ट उतना ही होना चाहिए, तभी मज़ा आता है बराबरी का, क्योंकि मेहनत करते हैं और फिर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते तब फिर दिल टूट जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो इस हफ़्ते के विनर हैं, और इस हफ़्ते इत्तेफाक से दो विनर होंगे क्योंकि पिछले हफ्ते के जो विनर थे उन्होंने अभी तक हमसे कॉन्टैक्ट नहीं किया और अब वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि इस हफ़्ते से नए विनर अनाउंस होंगे और वो दो लोग जो कांटेक्ट करेंगे हमसे इंस्टाग्राम पर तो वो लोग अपना ये गिव अवे पा सकते हैं। और कभी आपको मन में ये आता है कि ये गिव अवे मुझे नहीं चाहिए तो स्किप आप कर सकते हैं, ये जो आप स्किप करेंगे वो नेक्स्ट वीक में हम ऐड कर देंगे। कुछ लोग होते हैं हमारी कम्युनिटी में उन लोगों को गिव अवे नहीं चाहिए तो नेक्स्ट किसी और को हम वो स्किप स्वैप मतलब चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमने कमेंट पिकर यहाँ पर चुन लिया है और यहाँ पर वो वीडियो को लिंक पेस्ट कर दिया है, और अब हम यहाँ पर डुप्लीकेट जो भी कमेंट है उसको फ़िल्टर कर देंगे और बस इतना ही करते हैं। उसके बाद गेट ऑल कमेंट इस पर क्लिक कर दिया, जितने भी कमेंट है वो सारे पिक होना स्टार्ट हो गए हैं। 100-200 काफ़ी सारे आपके जो कमेंट आए हैं, एक से एक कमेंट है, हम लोग को ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है जितने सारे आप लोग एक से बढ़कर एक कमेंट करते हैं, तो मतलब एक स्टाफ पूरा उसी में ही लगा रहता है कि कौन कौन से कमेंट पिक करने हैं। तो यहाँ पर 766 कमेंट इस ऐप ने पिक किया है और अब हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर विनर हो सकते हैं। पहले जो विनर है उनका नाम है वर्ल्ड फैक्ट टेक, तो इनके चैनल को हम डिटेल में चले जाते हैं और इसका स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। तो इनका स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया है और अब नेक्स्ट विनर के लिए अब हम लोग फिर से पिक अनदर करता हूँ यहाँ पर दूसरे विनर भी, क्योंकि इस बार दो विनर हैं, अच्छी बात है। दूसरे जो विनर है ये सुनील कुमार हैं, तो इनका जो सवाल है, नमस्ते सर जी, LPN टोकन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं प्लीज़? सर मैंने LPN टोकन की स्टेकिंग कर रखी है। सर जी देखिए LPN टोकन जो मैंने अभी सर्च किया है तो वहाँ पर LPN टोकन के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली है, और अगर ये टोकन कोई नया है तो उसमें स्टेकिंग का इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, और अगर ये पुराना है तो मेरी नज़र में अभी तक LPN टोकन के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। तो दोस्तों ये दो विनर हैं, आप दोनों विनर को कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, और आप दोनों लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो गिव अवे का जो भी डॉलर है USDT है वो आपको फटाफट से मिल जाए। नेक्स्ट सवाल है MD इरफान का, कहना है कि मुझे ये पूछना है कि P2P के ज़रिए सर्टिफाइड सेलर से आपने 11,000 रुपये का USDT खरीदना चाहा और आपकी जो स्पॉट में USDT का प्राइस दिख रहा है वो दिख रहा है 9,500, तो अभी ये हुआ क्या, ये 1500 कहाँ चला गया क्योंकि आपने सर्टिफाइड सेलर से ख़रीदा था? तो देखिए ये बाइनेंस की दिक्कत नहीं है, दरअसल क्या होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा डिप में होती है तो USDT का जो प्राइस 74 जो नॉर्मल हमको ऐप में दिखता है उससे कुछ प्रीमियम पे मिलने लगता है। 84, 82, 90 तक का गया था जब मार्केट में अभी रिसेंटली डिप गई थी, हो सकता है उस समय में आपने ख़रीदा हो तो इस वजह से आपको इतना लंबा नुकसान देखने को मिला है। और नॉर्मली उसका जो प्राइस है जब मार्केट नॉर्मल होती है उस समय 78 रहता है और ऐप में हमारे 74 रहता है, तो इतना डिफरेंस तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। और जब आप बेचेंगे तो आपको वापस से उसी हाई प्राइस पर ही बिकेगा, चाहे जिस समय आपने ख़रीदा था 9,500 जब आपके वैलेट में शो कर रहा था उसी समय अगर आप बेचते तो सेम 11,000 ही मिलता। तो ये एक ऐप का एक सिस्टम है जिसको हमको सहना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में वीडियो हमने लगा दी जिसमें हमने बताया कि किस तरीके सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो दोस्तों ये थे आप सभी के सवाल, उम्मीद करता हूँ इस सारे सवालों में आपके जवाब मिले होंगे। अगर आपके सवाल छूट गए हो तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो की एक लिमिट होती जितना हम लोग लेंथी कर सकते हैं,
और अगर अभी भी आपका सवाल का जवाब नहीं मिला हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है कि आपका सवाल शामिल हो सकता है। और अब तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का भी ऑप्शन है जो कि रैंडम सिलेक्ट हो रहा है, तो इसमें तो मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके कि कमेंट आपका पिक हो ही हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।